हाय गाइस, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी राजस्थानी मिर्ची के टपोरे। तो इसके लिए मैंने सौंफ और जीरा को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा कोट लूँगी। कोटने के बाद अब हम मसाला तैयार करेंगे। तो कटोरी में सबसे पहले डालेंगे हल्दी, फिर डालेंगे धनिया, उसके बाद डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च डालने के बाद मैं डालूंगी थोड़ा सा अमचूर, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको भिगो देंगे ताकि सभी मसाले अच्छे से फूल जाएं। उसके बाद मैंने कढ़ाई में डाला तेल, तेल को अच्छे से गरम कर लिया, फिर थोड़ा ठंडा भी कर लिया। थोड़ा ठंडा होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जीरा, राई डालेंगे और उसके बाद डालेंगे भुना हुआ जीरा और सौंफ, मिला लेंगे। उसके बाद हम कटी हुई मिर्चियों को डाल देंगे और थोड़ा सा चला लेंगे। फ्लेम जो है मीडियम हाई पे रखनी है। इसको अच्छे से मिला लीजिए। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक और अपना टाटा का नमक, अच्छे से मिला लेंगे और जो हमने मसाला भिगोया हुआ था वो डाल देंगे। अब इसे पकने देंगे, अच्छे से मिलाकर इसको पका लीजिए। थोड़ा सा इसमें कलौंजी भी डाल लेंगे, इससे ही सुंदर लगते हैं। और हमारे टपोरे तैयार हैं। इसके रोटी, पराठे, किसी भी चीज़ के साथ खाओ, मज़ेदार चटपटे।